क्या आप भी परेशान हैं टमाटर के काले धब्बों से, या फिर धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से, या फिर तना के गलने से, या फिर जड़ों के गलने से? जय जवान जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राहुल, आपका स्वागत है एग्री जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में, जो कि एक तरीके का फंगीसाइड है जो आपकी इन समस्याओं को दूर करेगा। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे क्या सारी प्रोसेस है। और हाँ, उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट मिले और फसलों के बारे में जानकारी मिले और उनके रोकथाम के बारे में जानकारी मिले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो यहीं से। हम किसान एक बार फंगस को तो कंट्रोल कर लेते हैं, पर बैक्टीरियल रोग को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आज बात करने वाला हूँ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में। आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक। वैसे तो सभी किसान स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में जानते हैं, पर कुछ किसान इसका संपूर्ण जानकारी ना होने की वजह से वो इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि बहुत सारे किसानों के पास इसकी जानकारी पूर्ण नहीं होती है। दुकानदारों से मिली हुई जानकारी की वजह से वो लोग उतना प्रयोग करते हैं और उसके बारे में पूर्णतः नहीं जानकारी पाते। पर मैं आज आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ और पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। मैं आपको हर चीज़ एक एक बात मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है क्या और ये किस प्रकार कार्य करता है और इसका मूल्य क्या है। सब कुछ आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला नंबर है कंटेंट क्या है, दूसरा कार्रवाई की विधि, तीसरा हम जानेंगे बाजार में किस किस नाम से आता है, चौथा है फसल पर कितने दिनों तक काम करता है, पांचवा है रेन फास्टनेस कि बरसात में क्या होता है इसके साथ, छठा है किन किन फसलों में उपयोग होता है, सातवां हम जानेंगे रोगों का नियंत्रण कि कौन कौन से रोगों पर यह कार्य करता है, और आठवां है मात्रा कि हम कितना मात्रा दें और कितना डोज दें कि यह काम करे। तो आइए जान लेते हैं पहला नंबर कि कंटेंट क्या है, इसमें रसायन पदार्थ कौन से उपयोग किए गए हैं। इसमें मुख्यतः तो दो रसायन यूज किए गए हैं। पहला नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट, जो कि 90% यूज किया गया है, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 10% पाउडर फॉर्मेशन में दोनों को उपयोग किया गया है। दूसरा नंबर है कार्रवाई की विधि, यह बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, इसीलिए इसे एंटीबायोटिक कहते हैं। और यह इसमें दो केमिकल होने के साथ साथ ये दोनों सामान्य रूप से कार्य करते हैं। यह बैक्टीरिया को सीधा आरएनए पर कार्य करता और बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने से रोकता है। और तीसरा जान लेते हैं कि बाजार में कौन कौन किस किस नाम से आता है। कृषि रसायन का क्लोसिन एजी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ट्रॉपिकल का टेंजेंसिन, क्रिस्टल का क्रिस्टोसाइक्लिन, इन सभी नाम से यह रसायन मुख्यतः आते हैं। बस नाम अलग अलग है, बाकी काम सेम, मतलब वही करता है और आपके पौधों को बैक्टीरियल रोग से बचाता है। चौथा नंबर है कितने दिनों तक फसलों पर यह कार्य करता है, छिड़काव करने के बाद यह फसलों पर 7 से 8 दिनों तक कार्य करता है और बैक्टीरिया को रोकता है और मारने का कार्य करता है। पांचवा है रेन फास्टनेस, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पौधों पर छिड़काव करने के बाद 1 से 1.5 घंटों के बाद पौधों में वह अवशोषित कर लिया जाता है, पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि 1.5 से 2 घंटों के बाद अगर वर्षा भी हो जाती है, मतलब बरसात भी हो जाती है, तो पौधे के अंदर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पूरा चला गया होता है, वो ग्रहण कर लिया होता है और यह पूर्ण कार्य करता है, जो कि 100% कार्य करता है और आपको अच्छा रिजल्ट ला के देता है। छठा है किन किन फसलों पर यह कार्य करता है। किसान भाइयों और किसान साथियों, आपको बता दूं कि ये बहुत सारे फसलों और सब्जियों पर कार्य करता है, जिससे सब्जियों पर अन्य रोग नहीं उत्पन्न होते हैं। और आपको बता दूं, ये कुछ लिस्ट हैं जो कि आपके सामने है। गन्ना, किन्नू, माल्ट, संतरा, नींबू, आम, अनार, लीची, चीकू, आड़ू, अमरूद, सभी प्रकार की सब्जियाँ और अनाज में कपास, धान, गेहूं, दलहन, सरसों, तिलहन आदि में किया जा सकता है, इन फसलों में अच्छा कार्य करता है। सातवां नंबर है कि कौन कौन से रोग पर कार्य करता है, तो ये कुछ इस प्रकार है। धान में BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से, मिर्च और टमाटर और गोभी में ब्लैक स्पॉट्स है,
टमाटर में ब्राउन रॉट से, अंगूर, गन्ना, आम बैक्टीरियल डिजीज से, कपास में ब्लैक आर्म और पत्तियों के मुड़ने से, आलू में ब्राउन रॉट से, इन सभी से आपको रोग नियंत्रण का कार्य करता है। तो आठवां नंबर जान लेते हैं किसान साथियों की मात्रा, यानी मात्रा कितना दे किन किन फसलों में। तो 1.5 लीटर पानी में 1.5 ग्राम और 100 लीटर पानी में 10 ग्राम, 150 लीटर पानी में आपको 15 ग्राम उपयोग करना है 1 एकड़ के फार्म पर। किसान साथियों इसका ज़्यादा डोज देना सही नहीं होता है फसलों के लिए, फसलों की स्वास्थ्य खराब हो सकती है और फसल आपके सूख सकते हैं। किसान साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल होगा या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में कुछ चीज़ें पूछनी होंगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने बहुत हद तक आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया है। अगर आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन चाहिए, अगर चाहिए हो तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर यानी agrijunction.com से खरीद सकते हैं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही आसानी तरीके से आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मंगा सकते हैं, वो भी घर बैठे आप तक डिलीवर हो जाएगा। तो किसान साथी ये वीडियो कैसा आपको लगा प्लीज़ लाइक करके बताना और 1 लाइक ज़रूर बनता, और हाँ अपने दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस और आपके लिए ले आऊँ। और हाँ फसलों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट और फसलों के बारे में जानकारी आपको दे सकूँ। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।